पकोड़ा तो आप सभी लोग बनाते हो और खाते हो, लेकिन इसी तरह पकोड़ा एक बार आप लोग जरूर बनाइए, खाइए। और ये पकोड़ा आप देख सकते हो, ये कुरमुरा का पकोड़ा। तो कुरमुरा का पकोड़ा हमने बनाया है, एकदम क्रंची बना है और साथ में हमने ग्रीन चटनी रखी है। तो चलिए पूरा वीडियो में हम देख लेते हैं कुरमुरा का पकोड़ा हमने कैसे बनाया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिप्रागर होममेड फूड में आप सभी को स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो, अच्छे से रहिए। तो आज हम एक न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो है कुरमुरे का पकोड़ा। तो कुरमुरे का पकोड़ा आप सभी लोग खाए हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ना खाए हो तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में तो एकदम ईजी है और खाने में एकदम क्रंची बनेगा। तो चलिए कुरमुरा का पकौड़ा बनाने के लिए हमने जो जो इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं हम एक एक करके आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो पहले ही तो हमने कुरमुरा लिए है, ये हमने एक बाटी लिए है, आप आपके हिसाब से ले सकते हो, क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये हम साइड कर देते हैं और जो जो इन्ग्रीडियंट्स लगे हैं वो भी हम बता देते हैं एक एक करके। ये हमने बेसन लिए है, 150 ग्राम बेसन लिए है, और हमने हरी धनिया लिए है, 2 मीडियम साइज का प्याज कटिंग करके लिए है, कच्चा पक्का हरी मिर्ची हमने लिए है कटिंग करके, और लगेगा नमक, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, और लगेगा बेसिक मसाला, वो हम एक एक करके आपके बता देंगे आपको। तो ये पहले हम एक पानी ले लेते हैं, तो ये हम पानी ले लिए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो कुरमुरा है, कुरमुरा हम इसमें डाल देते हैं। कुरमुरा को थोड़ा सा भिगा देते हैं, जस्ट भिगाना है और उठाना है, ज़्यादा टाइम भिगाना नहीं है। देखिए इसी तरह कुरमुरा को हमने पानी के अंदर डाल दिए और गीला कर लिए हैं। अभी हमें इसे निचोड़ के लेना है अच्छी तरह, इसी तरह करके हाथों की मदद से इसी तरह पानी एकदम अच्छी तरह निचोड़ के ले लेना है। ऐसा दूसरा बाउल में हम ऐसा ट्रांसफर कर लेते हैं, देखिए इसी तरह करके, ज्यादा भिगाना नहीं है, जस्ट गीला करना है और इसे ऐसा निकाल के लेना है। तो चलिए ये कुरमुरा पूरा हम निकाल के ले लेते हैं, देखिए इसी तरह करके लेना है, एकदम सूखा करके लेना है। तो कुरमुरा हम भिगो के ले लिए है पानी निचोड़ के अच्छी तरह। अभी हम इसमें डाल देते हैं 150 ग्राम बेसन, ये हम डाल दिए हैं, और जो हम हरी धनिया कटिंग करके रखे हैं ये भी हम डाल देते हैं, ऑनियन रखे हैं ये भी हम डाल देते हैं, जितने लिए हैं क्वांटिटी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो, और ये ग्रीन चिल्ली कच्चा पक्का ये हम डाल देते हैं इसमें। अभी इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, तो नमक डालने से पहले हम एक चुटकी हल्दी पाउडर डाल देते हैं इसमें, और 1 चम्मच भर के हम रेड चिल्ली पाउडर डाल दिए हैं। स्पाइसी आप लोग जैसा खाना पसंद करोगे वो हिसाब से डाल सकते हो, हम हमारा हिसाब से डाल रहे हैं, तो ये हम डाल दिए हैं। और थोड़ी सी इसमें हम डाल देंगे आखा जीरा, 1 चुटकी हम डाल दिए हैं। अभी इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। तो पहले हम चम्मच की मदद से मिला देते हैं, उसके बाद हम जितना पानी लगेगा वो हिसाब से डालेंगे, क्योंकि पहले हम पानी नहीं डालेंगे। कुरमुरा में थोड़ा बहुत पानी रहेगा वो भी मतलब बेसन को गीला कर लेंगे, और उसमें लगेगा तो हम थोड़ा बहुत डालेंगे, एकदम ज़्यादा गीला नहीं करेंगे इसमें। ज़्यादा गीला करके बनाओगे तो कुरकुरा बनेगा नहीं, जस्ट बाइंड होए वो हिसाब से बनाना है। तो हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करके इसका डो बना लेते हैं। जैसे आप लोग पकौड़ा का बनाते हो उसी तरह बनाना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है इसे। तो आप देख सकते हो इसी तरह का डो बनेगा, देखिए इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है, और ऐसा थोड़ा सा ऐसा गोल गोल करके आप तेल के अंदर छोड़ सकते हो। तो चलिए गैस की तरफ, तो गैस चालू करके तेल बिठा दिए हैं, तेल हमारा गर्म हो गया है। अभी एक एक करके इसी तरह छोड़ देते हैं, ऐसा लेना है इसी तरह थोड़ा थोड़ा ऐसा गोल करके छोड़ना है। ये बनाना एकदम इजी है और खाने में एकदम टेस्टी है, घर पर जरूर आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। और तेल थोड़ा गर्म हो जाता है तो
गैस का फ्लेम एकदम स्लो करना है क्योंकि इसे क्रंची बनाना है। अब गैस एकदम हाई में रखो तो ये जल जाएगा लेकिन अंदर से क्रंची नहीं होगा। तो चलिए इसी तरह हम एक करके छोड़ के बना लेते हैं। तो ये आप सभी लोग देख सकते हो ये फ्राई करके हो गया है और इसी तरह पूरा हम फ्राई करके ले लेते हैं, उसके बाद हम प्लेटिंग करके मिलते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हो कुरमुरा का पकौड़ा हमारा एकदम तैयार हो गया है और साथ में हमने रखी है ग्रीन चटनी और ये बहुत ही क्रंची बना है। एक हम खा के आपको खाली आवाज सुना रहे हैं, देखिए आप। तो आवाज तो आप सभी लोग सुन लिए होंगे, तो आवाज सभी लोग सुने हो तो कितना क्रंची बना है। और ये चाय का टाइम आप बना लीजिएगा, एकदम फटाफट बन जाते हैं। छोटी मोटी भूख लगे तो ये जरूर बना के ट्राई कर सकते हो, चाय के साथ तो एकदम अच्छा ही लगेगा। और ग्रीन चटनी तो हमने बना के रखे है, इसके साथ में ग्रीन चटनी के साथ भी आप खा सकते हो। तो एक बार ये रेसिपी जरूर आप लोग ट्राई कीजिए और बनाइए, खाइए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बताइए ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग नए हो हमारा चैनल में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा देखने के लिए। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से रहिए। आप सभी लोग आपका कीमती टाइम हमें देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।